बुरहानपुर चुनाव में चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बुरहानपुर में कोई गधा तो कोई बैलगाड़ी पर बैठकर नामांकन भरने पहुंचा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही बुरहानपुर चुनावी रंग में रंगता जा रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा बुरहानपुर में देखने को मिला, जहां बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनेस, कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ठाकुर सहित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान और प्रियांक सिंह ठाकुर ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया। सबसे दिलचस्प बात यह देखने को मिली कि प्रियांक सिंह ठाकुर गधे पर बैठकर रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। वहीं ठाकुर सुरेंद्र सिंह शीरा बैलगाड़ी से अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इससे पहले सुरेंद्र सिंह के समर्थक इकट्ठा हुए, यहां से रैली निकाली गई। उन्होंने ठाकुर शिव कुमार सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद नामांकन पत्र भरा। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी अर्चना चिटनेस ने नामांकन पत्र दाखिल किया और अपने जीत के प्रति 100% आश्वस्त किया। उनका मानना है कि बुरहानपुर का एक एक मतदाता इस भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए जुटा हुआ है। बुरहानपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बागी और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनका कहना है कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं तो अपने आप को साबित करने आया हूँ। आज केवल मुहूर्त का नामांकन फॉर्म भरने आया हूँ। 30 अक्टूबर को पुनः रैली और गाजे बाजे के साथ शहर में रैली निकाली जाएगी। बात यह कि कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया, मैं आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरजेवाला साहब और भवन जितेंद्र सिंह साहब, अजय लल्लू जी और सत्यग्रह साहब, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ से मुझे जिंदगी में पहली बार कांग्रेस ने टिकट दिया, विश्वास दिया। आज हमको कलर हुआ। हाँ, इतनी बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। आज का दिन मेरे लिए अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सबको बहुत ध्यान धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खासकर ये टिकट है, ये जनता की आवाज़ पर टिकट मिला है। जनता चाहती थी कि मैं हाथ के पंजे से चुनाव लड़ूँ। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ भी रहा हूँ और जीत भी रहा हूँ। कितनी उम्मीद है जनता से अब आपको? जनता से पूरी उम्मीद है। किस मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में आप? क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, अभी तो फॉर्म भरा है, मुद्दे जो है वो बहुत सारे लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। जब जनता का आशीर्वाद लेने जाएंगे तो मुद्दे भी लेकर के आएंगे। रैली कब निकलेगी आपकी? रैली नामांकन के लिए 30 तारीख। 30 तारीख, ठीक भैया, थैंक यू। आज मुहूर्त का फॉर्म भरा है और भारतीय जनता पार्टी की जीत बुरहानपुर में सुनिश्चित है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये जीत मात्र किसी व्यक्ति की नहीं, ये जीत बुरहानपुर की जीत होगी। बुरहानपुर का विकास जो चाहते हैं, बुरहानपुर को बेहतर स्थिति में जो देखना चाहते हैं, बुरहानपुर को आगे बढ़ता हुआ जो देखने चाहते हैं, बुरहानपुर को इस देश को गढ़ता हुआ जो देखना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बुरहानपुर में इस चुनाव में जिताएंगे। क्योंकि 5 साल लोगों ने जो भोगा है वो आप सब भी जानते हैं। पत्रकार साथी, जो परिवारवादी नेता है वो पिछले कई दशकों से बुरहानपुर की जनता को, मतदाता को केवल गधा बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज भी वो विकास की बात करते हैं और विकास कहीं पर भी हुआ नहीं है। शहर के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं। इतने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी श्रीमती अर्चना चिटनेस दीदी ने जमा किया है। पार्टी जीतने के लिए खड़ी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों में जो विकास किए हैं और बुरहानपुर विधानसभा में जो विकास के मामले में बुरहानपुर पिछड़ा हुआ है, लोग जानते हैं कि यहाँ पर विकास कौन कर सकता है। तो निश्चित रूप से कमल का फूल यहाँ खिलेगा।